कैसे हो आप लोग सब। मेरी आशा है कि आप लोग सब ठीक होंगे और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। और आज हम सीखेंगे ई मेजर कॉर्ड और ए मेजर कॉर्ड। ओके, सो ई मेजर कॉर्ड और ए मेजर कॉर्ड को कैसे पकड़ते हैं तो आज हम वो सीखेंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए जो कि बिल्कुल फ्री है। ओके, सो ताकि मेरी आगे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और चलिए आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। ओके, सो ई मेजर कॉर्ड पकड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने गिटार को आपने अपने गिटार को आपको स्टैंडर्ड ट्यून में इसको ट्यूनिंग करना पड़ेगा। ओके, सो स्टैंडर्ड ट्यूनिंग क्या है, जो आपकी स्ट्रिंग का नाम है वो है ई, फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम जो है ई, फिर बी, ओके, ई बी जी डी ए ई। ओके, सो जो मैंने आपको नाम बताया इसी में आपको ट्यून करना है। ओके, सो ये आपका स्टैंडर्ड ट्यूनिंग है। एक बार और फिर मैं बताया तो आपको जो फर्स्ट स्ट्रिंग है, ओके, आपको नीचे से काउंट करना है। नीचे वाली आपकी जो स्ट्रिंग है वो फर्स्ट स्ट्रिंग है। ओके, सो आपको कैसे काउंट करना है, ई फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग बी, थर्ड जी, फोर्थ डी एंड फिफ्थ ए और सिक्स ई। ओके, सो जो आपकी फर्स्ट और सिक्स स्ट्रिंग है वो आपकी सेम है, सी ए, तो ई है। ओके, ई स्ट्रिंग है, सॉरी, जो फर्स्ट और सिक्स स्ट्रिंग जो आपकी है वो है आपकी ई स्ट्रिंग। ओके, तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। सो ई मेजर पकड़ने के लिए हमको क्या करना है, पहले जो आपकी फर्स्ट फिंगर है, ओके, जो आपकी फर्स्ट फिंगर है उसको आपको रखना है अपने थर्ड स्ट्रिंग, ओके, थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट बार पर। ओके, थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट बार, और मैं आपको बार बता देता हूँ बार क्या है। ओके, जो आप ये छोटे छोटे बॉक्स देख रहे हैं ये आपका क्या है, बार है। ओके, जो आप छोटे छोटे बॉक्स देख रहे हैं ये आपके बार है। तो आपको जो फर्स्ट फिंगर है थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट बार पर रखना है। ओके, उसके बाद मिडल फिंगर फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड बार। ओके, उसके बाद थर्ड जो रिंग फिंगर है आपकी वो रखनी है फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड बार। ओके, सो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, फर्स्ट फिंगर थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट बार, ओके, एंड मिडल फिंगर फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड बार और रिंग फिंगर फोर्थ स्ट्रिंग, ओके, सेकंड बार। सो ये आपका क्या है, ई मेजर कॉर्ड। ओके, सो ई मेजर जो आप पकड़ोगे तो आपको क्या करना है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर उसको आपको तेज से दबाना है। ओके, उसको प्रेस करना है ठीक से, उसको प्रेस करना है। जब आप उसको प्रेस करोगे तो आपकी जो साउंड जो है वो बिल्कुल क्लियर आएगी। ओके, सो आपकी जो साउंड है ई मेजर की वो बिल्कुल क्लियर आएगी। और अगर आपका स्ट्रिंग बर्ज हो रही है लाइक ऐसे स्टार्टिंग में, अगर आप स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आती है तो आपको कैसे चेक करना है। ओके, आपको एक एक स्ट्रिंग को अपने प्लेक्ट्रम से, आपको प्लेक्ट्रम यूज करना है, अपने प्लेक्ट्रम से उसको क्या करना है, एक एक स्ट्रिंग को बजाना है ऐसे। ओके, एक एक स्ट्रिंग को आपको बजा के देखना है कि सारी स्ट्रिंग आपकी क्लियर बज रही है या नहीं बज रही है। जो भी स्ट्रिंग आपकी जो आपने यहां से पकड़ी है अगर वो स्ट्रिंग बर्स कर रही है, ओके, ऐसे, तो इसका मतलब आपने वो स्ट्रिंग ठीक से नहीं पकड़ी है। ओके, तो आपको वो ठीक से पकड़नी है ऐसे। ओके, तो इसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ डाउन डाउन स्ट्रोक देना है आपको, डाउन 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 स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक। ओके, सो अब नेक्स्ट कॉर्ड जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि नेक्स्ट कॉर्ड आपका क्या था, ए मेजर कॉर्ड। ओके, सो दिस इज योर ए मेजर। सो ए मेजर को आपको कैसे पकड़ना है, ओके, ए मेजर पकड़ने के लिए आपको फर्स्ट फिंगर लेनी पड़ेगी। ओके, फर्स्ट फिंगर आपको रखनी है फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड बार। ओके, फर्स्ट फिंगर जो है आपकी वो है आपकी फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड बार। ओके, मिडिल फिंगर थर्ड स्ट्रिंग सेकंड बार। ओके, मिडिल फिंगर थर्ड स्ट्रिंग सेकंड बार, और जो रिंग फिंगर है रिंग वो आपकी आएगी सेकंड स्ट्रिंग सेकंड बार। ओके, तो ये आपका क्या है, ए मेजर कॉर्ड। दोबारा मैं आपको बता देता हूं, जो फर्स्ट फिंगर है वो आपकी आएगी फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड बार, मिडल फिंगर थर्ड स्ट्रिंग सेकंड बार, रिंग फिंगर सेकंड स्ट्रिंग सेकंड बार। ओके, सो इसको भी आपको तेज से प्रेस करना है। ओके, ऐसे, और इसमें भी आपको डाउन डाउन स्ट्रोक देना है, डाउन 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 डाउन। ओके, फिर आपको क्या करना है, जब आप ये दो कॉर्ड सीख जाओगे तब आपको क्या करना है, इन दोनों कॉर्डों को एक साथ बजाना है। ओके, और स्विच करना सीखना है,
जो कि आपको ऐसे आएगा, आपको लेना है 4-4 का पैटर्न, ओके, 4-4 काउंट आपको लेना है, लाइक दिस, 1, 2, 3, 4, ओके, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ओके, सो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है जब तक आपका कॉर्ड स्विच ना हो जल्दी जल्दी। उसके बाद जब आपका ये क्लियर हो जाएगा तो आपको अपना जो रिदम पैटर्न है वो आपको क्या करना है, अभी आप डाउन डाउन कर रहे थे, उसके बाद आपको अप भी लाना है, ओके, सो ये ऐसे जाएगा, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ओके, सो इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, ओके, सो इसको प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और आगे की वीडियो के लिए आप एक्टिव रहे ताकि जो भी मेरी वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।